हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के इस लेक्चर में आज हम टमाटर के एक रोग के बारे में बात करेंगे। टमाटर का बोटेनिकल नेम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम है और इसका रोग जो अर्ली ब्लाइट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसका काजल ऑर्गेनिज्म यानी ये फंगस से होने वाला एक रोग है जिसका जो साइंटिफिक नेम अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है। अब समझते हैं कि हम इसको खेत में कैसे पहचान सकते हैं। तो खेत में पहचानने के लिए ये किसी भी स्टेज पे आपके फील्ड में हो सकता है। किसी भी स्टेज का मतलब चाहे पौधा छोटा हो या बड़ा हो, वो दोनों स्टेज पे आपको देखने को मिल सकता है। और इसका अटैक मेन तरीके से फोलियज पे, फोलियज का मतलब जो तना पत्ती और शाखाएं जो है उसको फोलियज कहते हैं, उस पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें फंगस दो प्रकार की कंडीशन काज करता है, एक तो लीफ स्पॉट मतलब ये धब्बे बनाएगा और दूसरा ब्लाइट मतलब ये पूरी पत्ती झुलस जाएगी। तो ये दो प्रकार की कंडीशन काज करता है फंगस। और ओल्डर पत्ती जो है मतलब जो पुरानी पत्ती है उस पर आपको ब्लैक कलर के लेजन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ये काले काले लेजन, तो इस प्रकार के ये लेजन बनते हैं इसमें, वो भी पत्ती के लोअर सरफेस पे। और जो चारों तरफ ये सराउंडिंग एरिया है, जैसे ये देख रहे हो पीला पीला एरिया, इसको बोलते हैं क्लोरोटिक या फिर येलो हालो रीजन। और इसके अलावा इसमें कंसेंट्रिक रिंग आपको देखने को मिलेंगी और इसमें बुल आई सेप्ट का कंसेंट्रिक रिंग होता है। जैसे आपने सांड में देखा होगा उसकी आंखों में चारों तरफ रिंग जैसी दिखाई देती है, तो उसी प्रकार से इसमें भी रिंग देखने को आपको मिलेगी। ये इसका मेन जो सिम्टम है या फिर मेन लक्षण होता है। इसके अलावा इसमें जो ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो इसका फोलियज क्या है, पूरा ड्राई हो जाता है। यहाँ पर देखो ये सब सूखने लगा है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा फोलियज सूखा दिखाई दे सकता है। और इसमें जो सिम्टम है वो तने पर भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी इसमें गर्डलिंग देखने को मिलेगी। गर्डलिंग का मतलब ये हुआ, ये जो तना है तने के चारों तरफ इसका ये जो एरिया है वो डाई हो जाएगा और प्लांट जमीन पे गिर जाएगा, तो इस कंडीशन को गर्डलिंग बोलते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो फल है मतलब टमाटर, टमाटर में जो कैलेक्स लगे होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हरे हरे, इनको बोलते हैं कैलेक्स, और जो इसके ऊपर होते हैं वो करोला होता है। तो यहाँ से जहाँ से फल लगा होता है उसके इधर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, जहाँ जैसे इसमें ये आप देख रहे हो ये पूरा फल जो है चारों तरफ से इस पे स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप कंसेंट्रिक रिंग देख सकते हो, जैसे ये देखो छल्ले जैसे आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, तो यहाँ पर भी आप इस छल्ले आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा इसके एटियोलॉजी की बात करें तो ये अल्टरनेरिया सोलेनाई से होने वाला एक रोग है। इसका माइसिलियम भूरा होता है और सेप्टेट होता है, सेप्टेट का मतलब उसमें क्रॉस वाल्ड पाई जाती है। और इसमें कोनिडियोफोर जो है, जो नीचे स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र जो पाए जाते हैं उसमें से जर्मिनेट करता है और ये भूरा, गहरा भूरे कलर का होता है। इसके अलावा जो कोनिडिया है वो म्यूरीफॉर्म और लॉन्ग बीक्ड होता है। म्यूरीफॉर्म का मतलब जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार के सेप्टेशन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं म्यूरीफॉर्म। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल सेप्टेशन है, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल है, इसीलिए इसको जिसमें ये दो प्रकार के सेप्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं म्यूरीफॉर्म। और लॉन्ग बीट क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी चोंच इतनी लंबी है इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग बीट। अब हम समझते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। जो हम क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, जैसे टमाटर की क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, हार्वेस्ट होने के बाद इसका जो इनाकुलम है वो माइसिलियम और कोनिडिया के रूप में जो पत्ती तना खेत में पड़ा रह जाता है उसी में ये पड़ा रहता है, और अगली बार जब फसल बोते हैं तो उसमें इन्फेक्शन शुरू कर देता है। इसके अलावा जो आलू और मिर्च, मिर्च में भी ये सर्वाइव करता है और उसके ऊपर ये रहता है इसका इनाकुलम, जैसे कोनिडिया और माइसिलियम। उसके अलावा जो सोलेनम नाइग्रम मकोई का पौधा होता है, घास होती है एक प्रकार की, इस पर भी ये रह सकता है। अगर इसके करीब में कभी आपने फसल लगाई, अगर
टमाटर और मिर्च के फील्ड में अर्ली ब्लाइट लगा है, तो आपके टमाटर के भी जो फील्ड में इसके आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा लोअर सरफेस पे जो कोनिडिया है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और ज़्यादा मात्रा में कोनिडिया बनने के बाद यही जो है सेकेंडरी इनाकुलम के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम करते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा, वाटर और इंसेक्ट के द्वारा जाते हैं। तो इस हिसाब से ये एक स्थान से, मतलब जो इन्फेक्टेड पौधा है वहाँ से उठ के और जो हेल्दी पौधा है वहाँ पर जाएगा और उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। कोनिडिया जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद जर्म ट्यूब बनाता है, और जर्म ट्यूब बनाने के बाद ये डायरेक्टली स्टोमेटा में इंसर्ट होता जाता है। जैसे मान लो ये पत्ती है और इस पत्ती में ये मान लो स्टोमेटा है इस प्रकार के, तो ये क्या करेगा, कोनिडिया जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट के बाद जर्म ट्यूब बनाएगा, और ये जो है ये स्टोमेटा इसी में ये क्या करेगा, इंटर कर जाएगा, और इंटर करने के बाद अंदर जाके ये इन्फेक्शन पैदा करने लगता है। अगर इसको प्रिसाइजली देखें तो प्राइमरी इनाकुलम का काम जो सीड, प्लांट डेब्रिस और क्रॉप, उसके अलावा जो हमने वीड, एक वीड के बारे में बात की थी जो सोलेनम नाइग्रम था, वो करता है, और सेकेंडरी इनाकुलम का काम कोनिडिया करता है। कोनिडिया पानी और पानी, हवा और कीड़े के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। कोनिडिया जब जमता है और जमने के बाद वो जर्म ट्यूब बनाता है, और जर्म ट्यूब स्टोमेटा में जाके इंसर्ट होता है, मतलब स्टोमेटा में घुसेगा जाके, और वहाँ से इन्फेक्शन शुरू करेगा, और तब आपको पत्ती और तने पे इसके इन्फेक्शन आसानी से देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा इसका डिजीज साइकिल चलता है। तो इस प्रकार से ये हुआ अर्ली ब्लाइट टमाटर के बारे में। हमने अर्ली ब्लाइट पोटैटो का भी जो डिजीज है उसको कंप्लीट कर दिया है, हम डाल देंगे उसको भी आप आज देख सकते हैं। अगर आप इसका पावर पॉइंट लेना चाहते हैं तो नॉलेज ऑफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करके वहाँ से इसके पावर पॉइंट को, यानी PDF हम डाल देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।